हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बाइकूक ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे यहाँ पर हम ब्लाउज की कटिंग पेपर पर करेंगे तो यहाँ पर मैंने पेपर को लिया है ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे पेपर की जो बंद साइट है वो हमें अपनी तरफ रखनी है ठीक है फिर हम यहाँ पर डेढ़ इंच पर निशान लगाएंगे ठीक है इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच देनी है डेढ़ इंच का मार्जिन हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे ब्लाउज की लंबाई नापेंगे तो लंबाई हमारी तेरह इंच है और आधा इंच का हमें मार्जिन यहाँ पर भी ले लेना है तो साढ़े तेरह इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन हमने इसीलिए लिया है क्योंकि आधा इंच हम ऊपर की तरफ शोल्डर से लेंगे तो यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे तो चौड़ाई हमें ढाई इंच रखनी है ठीक है और यहाँ पर लंबाई हमारी पाँच इंच है यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो साढ़े पाँच इंच पर हमें निशान लगाना है इस तरह से बॉक्स बना देंगे फिर हमें कुछ इस तरह से गले की गुलाई कर देना है ठीक है तो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई ढाई इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन लेकर तीन इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ से आरमोल की लंबाई साढ़े पांच इंच रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे फिर हम यहाँ पर एक इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आरमोल की गुलाई करेंगे देखिए आप लोग देख सकते हैं तो इसी तरीके से आपको भी गुलाई कर देनी है और सीने की चौड़ाई हमारी छत्तीस इंच है तो छत्तीस के चौथाई भाग हुए नौ इंच तो नौ इंच पर निशान लगा देंगी और दो इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे ठीक है और कमर की चौड़ाई हमारी अट्ठाईस इंच है तो 28 के चौथाई भाग हुए सात इंच और एक इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे तो आठ इंच पर निशान लगा देंगी और दो इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे ठीक है फिर हम यहाँ पर दोनों निशान को कुछ इस तरह से मिला देंगे तो हमने निशान लगा दिया है अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से हुक ब्लाउज की कटिंग करी है और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है यहाँ पर जो हमारी बंद साइट है तो इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे अब हमें पीछे वाले पल्ले की कटिंग करना है तो यहाँ पर मैंने पेपर को लिया है मान लो ये एक पेपर हमारा डबल फोल्ड है ठीक है तो इसको तरह से बिछा देंगे अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ठीक है हुक और आई की पट्टी के लिए अब हमें क्या करना है कि आगे वाले पल्ले को लेना है और इसके ऊपर आगे वाले पल्ले को रख लेंगे जो हमारा आधा इंच का मार्जन है उसको हमें कुछ इस तरह से रखना है ठीक है फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे सेम निशान लगा देंगे आगे वाले पल्ले पर मैंने आरमोल की गुलाई एक इंच रखी थी तो पीछे वाले पल्ले पर हम आरमोल की गुलाई डेढ़ इंच रखेंगे ठीक है और गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है ढाई इंच फिर हम यहाँ पर इस पल्ले को हटा देंगे और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे तो गले की लंबाई हम यहाँ पर नौ इंच रखेंगे और चौड़ाई में हमें ढाई इंच पर निशान लगा देना है ठीक है फिर इस तरह से बॉक्स बना देंगे और बॉक्स बनाने के बाद हमें गले की कुछ इस तरह से गुलाई कर देना है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से गले की गुलाई करती हूँ फिर हम यहाँ पर नीचे से पीछे वाले पल्ले को आधा इंच छोटा रखेंगे ठीक है और साइड से भी आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रख लेना है तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर प्लेट की चौड़ाई साढ़े चार इंच रखेंगे और लंबाई भी साढ़े चार इंच रखेंगे ठीक है तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींच देंगे ये वाली प्लेट हमारी एक इंच चौड़ी रहेगी ठीक है तो हमने निशान लगा दिया है अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे पीछे वाले पल्ले को मैंने नीचे से और साइड से आधा इंच इसीलिए कम रखा है क्योंकि आगे की तरफ हमारी प्लेटें पड़ती हैं तभी जो हमारे पल्ले हैं वो एक बराबर में आ जाएंगे प्लेटों को डालने के बाद तो हमारी पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे तो पेपर को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है ठीक है फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे एक इंच पर निशान लगाएंगे एक इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए तो यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है और यहाँ से बाजू की लंबाई पाँच इंच रखेंगे यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो साढ़े पाँच इंच पर निशान लगा देंगे यहाँ पर भी इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और बाजू की मोरी हमारी छः इंच है तो छः इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर तीन इंच पर निशान लगा देंगे फिर इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे साढ़े सात इंच तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और यहाँ पर साइड में दो इंच का मार्जन लेना है ठीक है तो हमने निशान लगा दिया है अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है यहाँ पर हमें आगे की साइड आधा इंच की गहराई देनी है तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर कटिंग कर करेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है जिससे हमें पता चलता रहे कि ये वाला हिस्सा हमारा आगे वाले पल्ले पर आएगा तो हमारी कटिंग हो गई है अब हम यहाँ पर फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे तो बंद वाली साइड से हमें साढ़े तीन इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ पर टक्स पॉइंट साढ़े दस इंच पर निशान लगा देंगे फिर हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर तिरछे में लाइन खींचेंगे ये वाली प्लेट हमारी एक इंच चौड़ी रहेगी ठीक है अब हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हमें चार इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ पर ढाई इंच का गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे ये वाली प्लेट हमारी आधा चौड़ी रहेगी अब हम यहाँ पर तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे तो ढाई इंच का गैप लेंगे और इतर से तिरछे में लाइन खींचेंगे तीसरी प्लेट भी हमारी आधा इंच चौड़ी रहेगी ठीक है अब हम यहाँ पर तीनों प्लेटों में कुछ इस तरह से कट लगा देंगे तो हमने एक तरफ से निशान लगा दिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हम साढ़े तीन इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर दो इंच पर निशान लगा देंगे फिर इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसी तरीके से दूसरी साइड भी निशान लगा लेते हैं ठीक है प्लेट का हमें कुछ इस तरह से निशान लगा देना है तो यहाँ पर मैंने देखी दूसरी साइड भी प्लेट का निशान लगा दिया है ये पल्ला हमारा आगे वाला रहेगा ठीक है तो इसी को रख के आप कपड़े पर भी कटिंग कर सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से और ये हमारी बाजू हो गई है और ये हमारा पीछे वाला पल्ला हो गया है तो देखा आप लोगों ने हमने कितनी आसानी से बैकूक ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी